हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू विन स्मॉल लीग्स, ग्रैंड लीग्स की कभी और कोई और वीडियो बनाई जाएगी। तो अभी जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है स्मॉल लीग कैसे जीती जाए, खासतौर से जो आईपीएल चल रहा है इसमें और भी बहुत सारे जो मैचेस होते हैं उसमें स्मॉल लीग कैसे जीती जाए, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ शायद आप आईपीएल के बाद भी देख रहे हैं या शायद आप बहुत टाइम के बाद वाली वीडियो देखें। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ बना रहा हूँ 16 अप्रैल 2018 को। तो शुरू करते हैं कुछ, मैं आपको जो लोग बोलते हैं कुछ ट्रिक्स ट्रिक्स, तो खैर मेरे हिसाब से कोई भी ट्रिक नहीं है। मैंने यहाँ पे एक देखिए रिफाइन कर रखा है। ये देखिए 3 से 10 प्लेयर की टीम है, लीग है जो कि आपको पता है स्मॉल लीग्स होती हैं यही। तो अब पैसों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ कि स्मॉल लीग है, ये प्लेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। 4 प्लेयर की टीम, 7 प्लेयर की टीम है, 3 प्लेयर की टीम्स जो होती है लीग्स जो होती हैं, सॉरी 3 प्लेयर्स की, 4 प्लेयर्स की, तो वो कैसे जीतनी है इस वीडियो में खास तौर से बात करेंगे। मैंने बहुत सी यूट्यूब में वीडियो देखी है जिसमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जाइए। खैर अब तो वो ग्राफ दिखाता नहीं है, ग्राफ देख लीजिए किसी का कि अब आपसे 4 मैच लगातार वो हारा हुआ है तो उससे खेलो, जिसको एक्सपीरियंस कम है उससे खेलो। चलो ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस कम है उससे खेलना ठीक है, थोड़ा मैं मानता हूँ यहाँ पर हल्का सा आपको एडवांटेज हो सकता है। पर मान लीजिए आपसे कोई 4 मैच लगातार हारा है तो मैं तो गलती नहीं करूँगा उससे कोई मैच खेलने की 5वां मैच, क्योंकि वो 5वां मैच फिर मुझसे जीतेगा ही एक तरह से देखा जाए। तो 4 मैच कोई इंसान खेल रहा है लगातार मेरे से नहीं हारा, मतलब अगर हम पहले जो ग्राफ दिखाया जाता था कि पिछले 4 मैच में ये उसके पॉइंट है, ये आपके पॉइंट है, आप उससे आगे हो, ऐसा करके जो दिखाया जाता था, तो मेरे हिसाब से तो किसी बिल्कुल ही काम की चीज़ नहीं है वो। इन सबको छोड़ो, सिर्फ एक ही काम आपको करना है जो कि है टीम अच्छी बनानी है। आप जीत जाओगे इसमें बहुत बहुत इजी विन, इजीली जीत जाओगे। 4 मैच की, 4 प्लेयर की लीग है, 3 प्लेयर की लीग, चाहे आप 2 प्लेयर वाली भी खेलो तो इसमें जीतना इजी हो जाता है अगर आप टीम अच्छी बनाते हो। अगर आप टीम ही नहीं बनाओगे, आप इन बेकार की चीज़ों पे ध्यान दोगे कि वो मेरे उसके जैसे ये प्लेयर है, मान लो इसका लेवल मेरे से बहुत ज़्यादा हाई है, मेरा 10 लेवल है, मेरा 20 लेवल है, इसका 59 है, किसी का 100 लीग है, 100 लेवल है, तो वो मेरे से बहुत अच्छा प्लेयर होगा। इसे ये सब अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए और सीधा सीधा आपको मैं बताता हूँ कि टीम कैसे अच्छी बनाई जाती है, क्या क्या पॉइंट है। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको आप ध्यान में रखो और वीडियो और जब भी अपनी अपनी टीम बनाओ तो इन पॉइंट्स को दिमाग में लेकर टीम बनाओ तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ख़ास तौर से स्मॉल लीग्स के अंदर। ग्रैंड लीग की जो टीम है उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, उसमें हैं ट्रिक्स, अगर आप वहाँ पर कुछ ट्रिक्स लगा सकते हो या बहुत सारी टीमों से ज्वाइन कर सकते हो तो है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सीधा सीधा कुछ टिप्स होंगी जिसमें आप देख सकते हो क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, जिसमें आप कुछ जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा उसमें आप देख सकते हो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस आपको लगानी है जब आप टीम बनानी है। तो शुरू करते हैं वाली वीडियो। प्लेयर्स सबसे पहले पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं, मैंने पॉइंट सबसे पहला रखा है और स्टार भी लगा रखा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो कि काम है वो यही है। अगर आप हाला प्ले खेलते हैं, माई टीम 11 खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं, या फिर आप प्लेयर स्पॉट खेलते हैं, आप कोई सी भी लीग खेलते हैं या फिर कोई सी भी आप लीग, तो मैं स्मॉल लीग्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी अपनी किसी भी वेबसाइट पर खेलते हो, एक चीज़ आपको हमेशा रखनी है दिमाग में जो कि है पॉइंट सिस्टम। एक मैं आपको एडवाइस और करूँगा, खेल रहे हो तो किसी एक वेबसाइट पर खेलो, एक मैच बहुत सारी वेबसाइट्स पर ना खेलो तो सही रहेगा। अगर आप किसी एक वेबसाइट पर जितना इन्वेस्ट आप इधर उधर कर रहे हो वो सारा का सारा इन्वेस्ट, जैसे आप ड्रीम 11 खेल रहे हो तो आप ड्रीम 11 में ही सारा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो जितना एक मैच के अंदर कर रहे हो। ऐसा मत करो कि आप ड्रीम 11 में एक मैच है, ड्रीम 11 में वाला मैच भी खेल रहे हो, हालत प्ले भी खेल रहे हो, प्लेयर स्पॉट पर भी खेल रहे हो और भी बहुत सारी वेबसाइट है उन पर भी खेल रहे हो, तो ये गलती मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो जाता है। एक्सपीरियंस मुझे है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब पॉइंट सिस्टम का जो भी आपको याद रखना है, ड्रीम 11 का पॉइंट सिस्टम मुझे लगता है लगभग सबको याद होगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप हाला प्ले का देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा वो याद रखना है। अभी जस्ट आईपीएल जैसे शुरू हुआ है, प्लेयर स्पॉट ने भी अपना पॉइंट सिस्टम अपडेट करा है तो वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट सिस्टम आपको देखना ज़रूरी है, इस वीडियो में तो पॉइंट सिस्टम के बारे में कोई ज़्यादा डिस्कशन कर नहीं पाएंगे, पर आपको देखना वो जरूरी है, आपको दिमाग में बिठाना है। T20 के अलग पॉइंट्स होते हैं, वनडे के अलग, टेस्ट के अलग। मेरे आपसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि बिना पॉइंट सिस्टम के अभी भी खेलते हैं और लॉस उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने उनको यही अभी भी रिकमेंड उनको करता हूँ, एक बार जाओ पॉइंट सिस्टम देखो कौन वहाँ पर किसको कितना बेनिफिट है। जैसे कि प्लेयर स्पॉट का एग्जाम्पल लेके देखें तो पहले बिल्कुल बैट्समैन के लिए, बैट्समैन को फेवर करते थे, बिल्कुल बायस पॉइंट सिस्टम था। अब जो सिस्टम है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो ऑलराउंडर्स को है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर मिल रहा है। तो ये है पॉइंट सिस्टम, आपको हमेशा याद रखना है, पॉइंट सिस्टम आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट है प्लेइंग 11। तो आपको जब भी अपनी टीम सेलेक्ट करनी है तो प्लेइंग 11 के अंदर प्लेयर होना चाहिए। रिस्की प्लेयर को मत लो, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको छोड़ो, उस प्लेयर को छोड़ दो, क्योंकि आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, यहाँ पे आपके प्लेयर जो खेलेंगे वही मैटर करेंगे, जो नहीं खेलेंगे उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है आपको। तो प्लेइंग 11 पता कहाँ से करें, तो प्लेइंग 11 आपको पता करनी है यूट्यूब से। आप बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं अब तो, और यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कोई ख़राब आपको न्यूज़ देता है,
जितनी भी न्यूज़ होती है वो बहुत जेन्युइन न्यूज़ सबको सब देने की कोशिश करते हैं, जितने भी चैनल्स हैं सारे सारे अच्छी न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, शायद मेरे को भी फॉलो कर सकते हो यार, और भी मैं रिकमेंड करूँगा दो तीन के आप वीडियोज़ देखा करो, क्योंकि वीडियोस बिल्कुल फ्री होती है देखनी आपको, वैसे जहाँ से आपको वीडियो जो भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी मिले वो अच्छी है, जहाँ से आप गेन कर सको वो अपने फिर इन्फॉर्मेशन देखे और फिर टीम बनाओ। जैसे कि प्लेइंग 11 के लिए बहुत सारे होते हैं, तो प्लेइंग 11 आपको यूट्यूब की वीडियो से पता चल जाएगी। अब एक चीज़ है जो कि है थर्ड पॉइंट हमारा, वो है करंट फॉर्म। तो करंट फॉर्म के प्लेयर्स लो जो जिनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही हो, जैसे कि अभी हम देखें केएल राहुल की बहुत ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है, एक बहुत बड़ा स्कोर भी आने वाला है मुझे ऐसा लगता है इस आईपीएल में। अभी तीन ही मैच हुए हैं किंग्स इलेवन पंजाब के, तीनों मैच में उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया है, तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है। शिखर धवन की फॉर्म देखें तो बहुत ज़बरदस्त है, संजू सैमसन की फॉर्म आप देखो ज़बरदस्त है। तो ये प्लेयर आपको नहीं छोड़ने हैं जो फॉर्म में है, क्योंकि जिस दिन ये चलेंगे तो हर मैच में ये क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और बड़ा स्कोर भी ये कर सकते हैं, इसलिए ये वाले प्लेयर्स आप छोड़ नहीं सकते हो। तो हमेशा ऐसे प्लेयर लो अपनी टीम में जो फॉर्म में हो उस टाइम पर। अब आगे चलते हैं पिच कंडीशन। तो आपसे आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पिच के बारे में सोचते नहीं है कि कहाँ मैच हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, तो पिच कंडीशन आपको देखनी होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु आरसीबी का होम ग्राउंड है, तो 2013 में एक बार देखते हैं उनका क्या रन रेट हुआ करता था, 8.44 करीब 170 का स्कोर बनता था 2013 में, एवरेज स्कोर है। 2014 में लगभग 180 का बनने लगा, 2015 और 2016 में अगर हम देखें तो वो 190 तक चला गया, मतलब एवरेज स्कोर 190 था, मतलब 200 से ऊपर रन बनते थे यहाँ पे। और वही हमने 2017 में देखा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2017 में 7.41, मतलब 150 इनका लगभग जो था वो था एवरेज स्कोर 2017 के आईपीएल में। यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत विकेट मिल रही थी, पवन नेगी, इकबाल अब्दुल्ला, आप देख सकते हो युजवेंद्र चहल, ये सारे के सारे जो बॉलर से विकेट ले रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इस हिसाब से आपको अपने जो जहाँ पर मैच हो रहा है वो वाली पिच कंडीशन आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी। इस साल वापस जो है जो उनका जो ग्राउंड है ये चिन्नास्वामी का, ये अच्छा बन गया है, अभी 220 रन बनाए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने, जिसमें संजू सैमसन ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। तो अब वो वाला ये भी चेंज हो गया है यहाँ से, अब वो वापस अपने जो कि पुरानी जो पिच थी वैसी लग रही है। तो आपको पिच कंडीशन पे ध्यान देना होगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पिच कंडीशन पे भी ध्यान देना। पिच कंडीशन की जो न्यूज़ होती है वो भी आपको यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मिल जाती है, बहुत सारे जो कि यूट्यूबर्स हैं सबके सब जो कि ये वाली वीडियोस देते हैं, जो आपको टीम्स देते हैं, वो आपको हमेशा पिच की थोड़ी बहुत कंडीशन बताते हैं, प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स भी बताते हैं, और एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल, सेकेंड इनिंग टोटल, ये सब बताया जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैटर करता है आपके लिए, खासतौर से स्मॉल लीग्स के लिए। ग्रैंड लीग्स के लिए तो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब है ये टॉप फाइव पिक, टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, जो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं उन्हीं को ही पिक करें, ऐसा ना करें कि जो कोई आउट ऑफ फॉर्म या फिर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है। मान लो अगर मान लीजिए विराट कोहली आने लग जाए आरसीबी में सातवें नंबर पे, तो क्या आप उसको लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि आपको पता है 20 ओवर रह गए हैं आपके पास, 20 ओवर का गेम है। टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है जैसे विराट कोहली, इवन लुइस, शेन वॉटसन, क्रिस लिन, सुनील नारायण भी ओपन करने आते हैं, तो ये जो बैट्समैन है इन्हीं को ही ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलेंगी। तो जिनको जितनी ज़्यादा बॉलें खेलने को मिले उन्हीं को लो, जो नीचे खेलने आते हैं अवॉइड करो उन थोड़े प्लेयर को, क्योंकि हर मैच में आपको वो नहीं जिताएंगे। शायद एक या दो मैच में हो सकता है कि वो रन करें, पर हर मैच में वो रन नहीं करेंगे क्योंकि उनको उतना मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे जॉश बटलर हैं, जॉश बटलर इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं और बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा बॉलें मिल नहीं रही हैं, 20 बॉलें मिलती हैं मैक्सिमम, 25 बॉलें जब वो आते हैं तब 5 ओवर बचे हुए होते हैं। तो उसके अलावा बाकी जैसे केएल राहुल ओपन करने आते हैं, रिद्धिमान साहा ओपन करने आते हैं, ऐसे विकेट कीपर को लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़े ऊपर बैटिंग करने आते हैं, उनको पूरी बैटिंग मिलती है। तो आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है। अब विकेट टेकर्स जो बॉलर हैं उनको आपको ध्यान देना है, उनके रेपुटेशन पर नहीं जाना, उनके नाम पर नहीं जाना कौन है वो। जैसे कि सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, पीयूष चावला, केकेआर का बॉलर है पीयूष चावला, आपने बहुत कम इस पर गौर किया होगा, ये हमेशा विकेट ले लेते हैं, इकोनॉमी रेट थोड़ी हाई रहती है पर विकेट्स हमेशा देखना इनको, एक दो विकेट्स तो हमेशा इनको मिलती है, और सुनील नारायण को हमेशा विकेट मिलती है। और ट्राई ऐसा करो कि जो डेथ में ओवर कराते हो बॉलर, जैसे कि जसप्रीत बुमराह हो गए, क्रिस मॉरिस हो गए, ड्वेन ब्रावो देखिए लास्ट में ही ओवर कराते हैं, इनको लेने की अपनी टीम में कोशिश जरूर करना। मोहित शर्मा, एंड्रू टाय, अगर हम देखें तो एजे टाय कितनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कराते हैं डेथ में, और मोहित शर्मा देखिए दोनों चेंज ऑफ पेस बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं एंड्रू टाय और ये मोहित शर्मा, तो इसलिए किंग्स इलेवन पंजाब के ये डेथ बॉलर हैं। और ये विकटें भी लेते हैं, शुरू में दो ओवर कराते हैं और लास्ट के दो ओवर कराते हैं, तो ये विकटें भी निकालते हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे बॉलर आपको लेने हैं। राशिद खान हो गए, भुवनेश्वर कुमार भी आप देख सकते हैं, शुरू के एक दो ओवर कराते हैं फिर डेथ में आ जाते हैं, लास्ट के दो एक दो ओवर कराते हैं, 19वां या 17वां और 20वां ओवर ऐसे करके ओवर कराते हैं। जयदेव उनादकट हो गए राजस्थान रॉयल्स के, तो ऐसे बॉलर्स को आपको अपनी टीम में लेने की कोशिश करनी है जो डेथ में ओवर कराते हैं। थोड़ा सा आपको रिसर्च इस मामले में करनी पड़ेगी। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ।
अब ऑलराउंडर्स आपको लेना है जैसे कि शेन वॉटसन है, शेन वॉटसन को इस आईपीएल सीजन में आप किसी भी मैच में नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो ओपन करने आ रहे हैं एक तो, और चार ओवर अपने करा रहे हैं, हर मैच में विकेट ले रहे हैं और बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो शेन वॉटसन कहीं आप सीएसके से अगर हम देखें तो रायना को छोड़ दो एक टाइम पर आप शेन वॉटसन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो दिखा सकते हैं, क्योंकि ओपन करने आएगा जो प्लेयर वो रन कर सकता है, 40-50 रन कर देगा, दो तीन विकेट ले लेगा, तो फिर उनका आप रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाओगे। वैसे ही अगर हम देखें तो सुनील नारायण भी हैं, ओपन कर रहे हैं बिल्कुल, और चार ओवर अपने करा रहे हैं। तो ऐसे ऑलराउंडर्स अपनी टीम में जरूर लें जो प्लेयर खेल रहे हो और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, जैसे ड्वेन ब्रावो हैं, लास्ट में बॉलिंग करने आते हैं, तीन चार विकेट अगर लेने तो बहुत ज़बरदस्त है। क्रिस मॉरिस बैटिंग हर मैच में लगभग आ जाती है, ओवर भी हर मैच में कराते हैं। पांड्या ब्रदर्स हो गए मुंबई इंडियंस के, ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, दोनों के दोनों भाई आपको पता है बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। बेन स्टोक्स इकलौते हैं, अगर राजस्थान रॉयल्स से देखें, बॉलिंग इस आईपीएल में अभी तक इतनी खास नहीं करी है और ज़्यादा ओवर भी नहीं करा है, थोड़ी बहुत इंजरी है बैक की उनको, जैसे कि इंजरी खत्म होती चली जाएगी वैसे ही वो बॉलिंग करानी शुरू कर देंगे और फिर बहुत तगड़े प्लेयर बन जाएंगे। शाकिबुल हसन हो गए, शाकिबुल हसन भी अपने चार ओवर पूरे करते हैं और बैटिंग करते हैं पूरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अक्षर पटेल किंग्स इलेवन पंजाब से अगर हम देखें तो किंग्स इलेवन पंजाब से अक्षर पटेल ने बहुत परफॉर्मेंसेस दिखाई है, अगर आप उनकी स्कोर देखो तो उनका भी 250 करीब रन वो आईपीएल में मार देते हैं और 15-16 विकेट वो पूरे आईपीएल में ले लेते हैं, तो ये भी एक अच्छा प्लेयर है अक्षर पटेल। और आरसीबी से कोई ऐसा प्लेयर मुझे नज़र नहीं आया, इसलिए आपको वहाँ पे क्रॉस 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 नज़र आ रहा होगा, तो आरसीबी में मुझे ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आया जो कि रन करे और बॉलिंग भी कराए। शायद क्रिस वोक्स हो सकता है, पर इतने ज़्यादा इफेक्टिव बैट्समैन नहीं मानूंगा मैं T20 क्रिकेट में खासतौर से। तो ये सारे पॉइंट्स होपफुली आपको समझ आए होंगे, तो इन पॉइंट्स को गौर से एक बार देख लेना, एक बार वीडियो अगर पूरी देख लो तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे से अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन दबो जरूर दबाना, अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियो मैं और बनाऊँ, ग्रैंड लीग्स के ऊपर बनाऊँ या फिर और भी वेबसाइट्स के ऊपर बनाऊँ, तो ज़रूर कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा बनाने की। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।